पहले लाइव में थोड़ी साउंड की दिक्कत आ गई थी, तो अब सही है। आप सभी के चेहरों से देख सकते हैं खुशी कितनी है आज, और जो जो निर्णय लिए गए हैं सिंगू बॉर्डर पे एसकेएम की मीटिंग के बाद। हमारे साथ भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी हैं, कॉमरेड इंद्रजीत जी हैं, तो भाई अभिमन्यु से बात करते हैं कि आज की मीटिंग कैसे रही और क्या क्या निर्णय लिए गए। देखो, सबसे पहले इस आंदोलन की जीत का श्रेय हम उन शहीदों को देना चाहते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, उनको हम नमन करते हैं। और साथ में आपको भी बधाई देना चाहते हैं किसान एकता मोर्चा की टीम को कि जो पहले एक बीजेपी आरएसएस की कुख्यात आईटी सेल थी, जिसका बहुत एक कहते थे इससे बच के रहना चाहिए, आप लोगों की मेहनत ने, पूरी किसान एकता मोर्चा की टीम ने आपके नेतृत्व में उस बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल को बिलों के अंदर घुसा दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज जो ये फैसला लिया गया, जो कल ड्राफ्ट हमारे पास सरकार की तरफ से आया था, वो ड्राफ्ट हूबहू आज उन्होंने एक लेटर की फॉर्म में कृषि मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार के लेटर पैड पे आया, जिसमें कृषि मंत्रालय की तरफ से संजय अग्रवाल के उनके सिग्नेचर थे, उनके जो एक सेक्रेटरी हैं, तो उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसी को उन्होंने एज इट इज आज लेटर की फॉर्म में भेज दिया है, तो उसको स्वीकार कर लिया गया है। और सबने बैठक में, बड़ी बैठक में ये तय किया कि आज हम आंदोलन का समापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये ना सोचे कि सरकार कुछ आगे कुछ ढुलमुल रवैया अपना के हमारी कमिटमेंट जो हमसे हुई उनको टाल देगी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो सरकार के लिए उचित नहीं रहेगा। 15 जनवरी को इसीलिए हमने 15 जनवरी को एसकेएम की दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई है, जो समीक्षा बैठक होगी, जिसमें एक एक पॉइंट पे गंभीरता से चर्चा की जाएगी कि भाई सरकार की जो कमिटमेंट थी वो कितनी तक सरकार ने पूरी की है, कितनी तक वो अधूरी है, तो इसके लिए 15 तारीख को बैठक होगी। एक और महत्वपूर्ण जो बात है, आज एसकेएम ने यह भी तय किया है कि कल हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका एक बड़ा आकस्मिक और दुखद निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, इसीलिए कल कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। हम कल किसी तरह कोई जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि कल उनका अंतिम संस्कार हो रहा है सीडीएस विपिन रावत का, वो देश के लिए एक बड़े हीरो थे, इसीलिए परसों यानी 11 तारीख को सभी धरनों पे जश्न मनाया जाएगा और जुलूस की शक्ल में लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे, ये आज फैसला हुआ है। इंद्रजीत जी, जैसे धरना समाप्ति की बात की गई कि समाप्त करेंगे, कब ये स्टेज से अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद क्या क्या आगे के कार्यक्रम रहेंगे, इसके बारे में बताइए। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था, तो जीत भी ऐतिहासिक हुई है ये निश्चित रूप से, तो हम इस जीत के फूल हमारे शहीदों के चरणों में आज चढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय के लिए जैसा कि साथी मनु जी ने बताया अभी आपके सामने, हम ये कहना चाहते हैं कि इस एक साल के आंदोलन में एक नई ताकत हिंदुस्तान में पैदा हुई है जिसका नाम है एसकेएम, तो उसको हम अब मजबूत करने का संकल्प आज लेते हैं। और आप ये फर्क देख सकते हैं, जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन लाठियाँ बरस रही थी हमारे ऊपर, अब जब वापस जाएंगे तो फूल बरसेंगे। इसलिए परसों जो है निश्चित रूप से तमाम टोल प्लाजाओं के ऊपर और तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इसका गांव-गांव में सेलिब्रेशन होगा, और हम आभार प्रकट करते यहाँ तमाम स्थानीय जनता का जिन्होंने ये संभव कर पाया, तकलीफें उठाते हुए आंदोलन के पीछे वो खड़े रहे, और तमाम डॉक्टरों का, वॉलंटियर्स का, और आप जैसे आईटी सेल जिसने इस आंदोलन के दौरान जो काम किया उससे ट्रोल करने वालों के घुटने आपने टिकाए, इससे साबित होता है कि गोदी मीडिया का भी विकल्प मौजूद है। तो आने वाले समय में हम सबको मिलजुल के इस एसकेएम को मजबूत करते हुए जो बाकी तमाम सवाल हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, हम एमएसपी का भी सवाल हमारे सामने है, उनको लागू करने के लिए और भी ज़्यादा इसका विस्तार करके किसान मजदूर एकता को मजबूत करेंगे। सभी को हम मुबारकबाद देते हैं, आप सभी लोगों को। अभिमन्यु जी, जैसे आज अनाउंस किया जाएगा शाम को आंदोलन समाप्ति का, कब यहाँ से सब कुछ अपना सामान इकट्ठा करके हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यहाँ से भी जितने भी स्टेट्स हैं जो किसान आए हुए हैं, कब यहाँ से चले जो अपने वापस? वो तय किया गया परसों सुबह, क्योंकि देखिए जब हम जाएंगे, ये जीत बड़ी है जैसा कॉमरेड इंद्रजीत जी बता रहे थे, तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन कल का दिन है वो जश्न मनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए तय किया है कि परसों यहाँ से निकलेंगे और जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। मैं आपको थोड़ा, बलजीत भाई, थोड़ा और कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। कई बार हमारे सामने ये सवाल था कि भाई ऐसा कौन सा आंदोलन होगा जो पूरे देश के किसानों को एकजुट करेगा, जो देश के किसान को जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठा के किसान बना देगा। वो काम इस आंदोलन ने किया है। इस आंदोलन ने, सबसे बड़ी इस आंदोलन की खूबी और जीत ये रही है कि जो लोग कहते थे कि भाई ये मोदी है, एक बार जो बोल दिया वापस नहीं लिया करता, जो एक तानाशाही का माहौल पूरे देश में बना दिया गया था, पूरी संस्थाओं को एक तरीके से पंगु बना दिया गया था, उनमें कोई बचा, कुछ बचा नहीं था उन संस्थाओं में, इस आंदोलन ने उस
प्रधानमंत्री उस तानाशाह नरेंद्र मोदी पे लगाम लगाने का काम किया है, ये इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। किसान को किसान के तौर पे एकजुट करने का काम किया है। और मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये जहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती थी, जो ये कजारिया टाइल्स है, संजय मलिक जिसके मालिक हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उनके ऊपर सरकार का बहुत प्रेशर था कि यहाँ पे मीटिंग मत होने दो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मीटिंग कराई। उनकी आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई थी संजय मलिक जी की कि उनको अपने बच्चों का एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल से निकलवा के एक सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पूरी ये प्रॉपर्टी है ये मैंने किसानों के आंदोलन के नाम कर दी है, तो किसी सरकार का प्रेशर आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। उन संजय मलिक जी का भी धन्यवाद। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वालों ने कई बार यहाँ लोगों को भड़काने का प्रयास किया, दंगे जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ के लोकल गाँव हैं, जो लोकल खापे हैं, दैया खाप, सरोवा खाप, अंतिल खाप, जो यहाँ के गाँव हो गए, कुंडली हो गया, पिथोपरा हो गया, जठेड़ी हो गया, नांगल हो गया, और भी जितने भी हमारे गाँव बचे, उन्होंने भी पूरा बड़ खालसा हो गया, बड़ मलिक हो गया, उन्होंने जिस तरीके से हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया। हमारी एक कॉल पे मुझे याद है जब 26 जनवरी के बाद बीजेपी आरएसएस के गुंडे आए थे यहाँ पे, तो यहाँ के लोकल लोग, हमारा एक साथी है अमित, उसके नेतृत्व में 250 ट्रैक्टर यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम आगे अड़ेंगे, अगर गर्दन कटेगी तो हमारी कटेगी, हमारे किसी पंजाब के भाई पे आँच नहीं आने देंगे। तो ऐसे तमाम करोड़ों जो इस आंदोलन के हीरो में जिनको कहूंगा भाई, हमारे जैसे तो आपके कारण आईटी सेल पे आगे लोग जानने लग गए, लेकिन असली हीरो हम नहीं, असली हीरो वो लोग हैं जो कभी स्टेज पे नहीं गए, जो सड़क पे रह के जिन्होंने संघर्ष किया और इस आंदोलन की जीत दिलवाई है। शुक्रिया। साढ़े नाल जांगवीर सिंह चौहान जी ने, प्रहलाद जी ने, चौहान साहब वड्डी जित हुई है, शब्द मेरे को भी पुछन नू शब्द नहीं है कि मैं की पुछा, कहना की चाहते हो? देखो साढ़े को भी कहने वो शब्द ही है नहीं, कि अल्फाजा के असी उन्होंने का धन्यवाद करिए जिन्ह लोगों ने साढ़े इस संघर्ष के साथ दिता है। देखो बड़िया धार्मिक समाजिक संस्थावान और डॉक्टर साहबान जिन्होंने लंगर लाए और वो लोग जोड़े तपस्या वाले दिन के इस अंदोलन बैठे रहे, जिस वेले बहुत घट गिणती रह गई सी अंदोलन के साडे बजुर्ग बैठे रहे ठंडिया रातों के गर्मी के एन आर आई वीर ने बहुत वड्डा सहयोग दिता, सारे देश भर के लोगों ने तन मन धन के नाल सहयोग दिता। मैं पहला सारिया का मीडिया वाले साथियों का, पंजाब वाले साथियों, अपने आई टी सैल बलजीत सिंह जी तुहाडा भी धन्यवाद जिन्होंने साडी आवाज़ नू देश विदेशों तक पहुँचा के इस अंदोलन नू मैं कहना सिरे चाढ़िया, धन्यवाद करते हैं तुहाडा, सारे भैन भरावां का बहुत साथ दिता है। और अज बड़ा खुशी का माहौल आ, सारिया स्टेटा कट्ठिया है, एस के एम कट्ठा आ, एक वड्डी जित लैके असी वापस जा रहे हैं और असी हुण परसों तक जिहड़ा अपना समान है इत्थों समेट लेना आ, इहनू इकट्ठा कर लेना, तो परसों फतेह मार्च उही गल ते आ रहा सी कि जिवें अज ये तय हो गया कि असी अंदोलन नू समाप्त कर रहे हैं, अज शाम नू स्टेट तो भी अनाउंस किया जाऊगा कि किन्ने वजे आपां चाले पाउणे, उहदे बारे थोड़ा प्रोग्राम दा दस दिओ जी। देखो अज शाम नू स्टेज नू वधा देना आ जी, ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਲੀ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਊਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਦੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ, ਔਰ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ,
प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बधाई देते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और ये जो जीत हुई है, इतना बड़ा जो ऐतिहासिक जो फैसला हुआ है, उसके जो हमारे एक साल के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ये जीत उनको समर्पित की जा रही है। और इस आंदोलन के अंदर जिन साथियों ने सहयोग किया, दिन रात जो है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों में, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में, बारिश में डटे रहे हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान सब साथी, और जिन लोगों ने इस आंदोलन के दौरान बाहर से भी आके मदद की, यहाँ पे कैंप लगाए, मेडिकल की सुविधाएं यहाँ पे की, और बहुत से साथियों ने, गुरु घरों ने लंगर की यहाँ पे जो व्यवस्था की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी साथियों ने इस आंदोलन के अंदर सहयोग किया, उन सब का SKM जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगा। और देश के अंदर पहली बार एक ऐसी ताकत बनके ये आंदोलन से SKM उभर के आया है, जो देश की सरकारों के ऊपर भी बहुत भारी पड़ रहा है। और जो ये एक प्रचार था कि ये मोदी जो है वो तो किसी भी सूरत में नहीं मानेगा, तो अब ऐसे घमंडी जो राजा को हराने का जो काम किया है, उसको घुटने के बल लेके आने का काम किया, तो लोकतंत्र की ये जीत हुई है, घमंड हारा है, संघर्ष जीता है। तो सभी देशवासियों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुक्रिया। साढ़े नाल डॉक्टर सतनाम जनाला जी ने जमहूरी किसान सभा तो, डॉक्टर साहब बड़े खुशी दे पल ने, एक साल तो उपर हो गया इतने बैठे, तो जो मंगा रखिया सी सरकार ने वह भी मनिया, की कहना चाहते हो पंजाब दे? मैं पंजाब समेत भारत के लोगों को पहला तो बधाई देना चाहते हैं, IT सैल में बधाई देना चाहते हैं, जिन्हें इस मोर्चे की जितने दे विच बहुत बड़ा रोल अदा किया। असी इतों जिहड़े विचार खास करके नौजवानों लिए बनाए हैं कि उन्हों का कल्चर, उन्हों का आने वाले समय के भविख जिहड़ा वा, वो असी जा के सब तो पहला इहो कहांगे ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਈਏ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲਾਈਡ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ 32 ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ITI ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ MSP ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ SKM ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹਤੇ ਆਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਬਰ
ते जुल्म दी जड़ी सी ओ लड़ाई हुई है। एक पासे सबर सी, एक पासे जुल्म हो रहा सी, ते ओदी जड़ी जड़ी सबर दी जड़ी आ ए जित हुई है। ते उते जड़ी आ बहुत वड्डी प्राप्ति है। और जड़ी मैं गल कर रहा सा कि गुरु नानक पातशाह दे आगमन पुरब ते उन्हें तिने खेती विरोधी कानून रद्द किए, तो नवें पातशाह के शहीदी गुरपुरब से उसके वालों रिंदियां मंगां ते जिहड़ा प्रस्ताव आया जिहड़ा कल पास करके भेजा तो अज वो चिट्ठी आ गई, तो जिहड़ियां खुशियां ये बड़े वड्डी बहुत वड्डी एक प्राप्ति है। ये जिहड़ियां खुशियां ने ये तो असीं दस ही नहीं सकते भी कितनी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। इहदे विच जिस तरह मैं ये गल कहण तों गुरेज नहीं करांगा, जिते अकाल पुरख का शुकराना करते हैं उत्थे भाई मीडिया का धन्यवाद करते हैं, खास करके सोशल मीडिया का बलजीत जी तुहाडा भी सारिआं दा जिन्होंने बड़ा वड्डा योगदान पाया पूरी दुनिया के इस अंदोलन में जिहड़ा सी जन जन तक तुसां पहुँचाता। गोदी मीडिया ने कसर नहीं छड्डी बदनाम करन दी, ते तुसां कसर नहीं छड्डी इस मोर्चे नूं उत्ते चढ़ाउण दी। सो तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हुण साडे नाल साडे वीर साडे छोटा भरा तूफान, ये भी साडा वीर, खुशी चेहरिया तो लभ रही है कि खुशी किन्नी गया, तो वो वर्ड्स ही शब्द मुक गए है दसन लई ते पुछन लई भी। हुण तुसीं आप ही दसो भी किस तरह की फीलिंग आ रही है, किदां दा माहौल है। हुण जी भरा जी, सब तो पहला तुहाडा बहुत धन्यवाद लगातार तुहाडा मीडिया का खास तौर पर, ते किसान एकता का जिहड़ा बनाया सी पेज खास तौर पर हर हर कवरेज का भी एक्सीडेंट भावे किसी भी तरह की, ताड़ा बहुत वड्डा रोल रहा वा। ये मैं भरा वे होने के नाते भी तुसी भरा मेरे वे छोटे भरा का माण बख्शिया तो धन्यवाद करते हैं। तो खुशी जी है ना बयान नहीं की जा सकती, जकारे छड़ रहे खालसे दी फतेह हो रही वा, किसानी तो खालसे का झंडा तालमेल साझा हो गया। साडे भरा इन्होंने बड़ा साडे तालमेल पाया भी हरियाणा वखरा कभी कामरेड सिख दी, अज साडे कामरेड भरा भी सानू वधाइयां दे गए, वह भी जकारे छड़ के गए आ, तो खुशी वाला माहौल बहुत ज़्यादा वा। तो सब का धन्यवाद, तो महाराज बाबे नानक का खास तौर पर उन्होंने शुकराना वा, तो चढ़ती कला वा बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल देख सकते हो माहौल किवें दा आ, चार चफेरे तुम माहौल देखो कि किवें माहौल है। सत्या जेबा खान जी हैं हमारे साथ, वो पहले दिन से आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने उतरा कितने नीचे के, और हर तरह से हमें माओवादी नेक्सलाइट तक बोला गया, और आज फूल बरस रहे हैं, जब आए थे तो डंडे बरस रहे थे, तो क्या कहना? यही वक्त वक्त की बात है, ये हमारे एक साल के संघर्ष का परिणाम है। सरकार ने इस एक साल में कोई भी कसर नहीं छोड़ा किसानों को बदनाम करने का, किसानों को कमजोर करने का, किसान आंदोलन को तोड़ने का, देश की जनता के बीच में गलत मैसेज देने का। लेकिन कितना भी नुकसान करने की कोशिश की गई, अंत में जीत सत्य की होती है, सत्य के रास्ते पर चलने वाली की होती है। आंदोलन सच्चा था, यहाँ के लोग सच्चे थे, किसान सच्चे थे, न कोई आतंकवादी था, न नक्सलाइट था, न खालिस्तानी था, न जिहादी था, सिर्फ किसान थे। और आज सरकार ने भी मान लिया और सरकार के में बैठे लोगों ने भी मान लिया, इसलिए आज फूल बरस रहे। हमने बहुत संघर्ष किया, मौसम की मार और सरकारी अत्याचार सब कुछ झेला, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे देश की जनता को जिस आंदोलन में हमें समर्थन दिए, खासकर देश की महिलाओं को, मातृत्व शक्ति महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, और किसान मोर्चे को मुबारकबाद, बहुत बड़ी जीत है। और संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि जैसे ये मोर्चे में संगठित रहे, संयुक्त रहे, बहुत अच्छा काम किया, मोर्चे की जीत को जीत दिलाई, इसी तरह आगे भी संगठित रहे, एकत्रित रहे, कहीं भी जाना हो एक साथ जाए, एक साथ रहे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, और देख रहा है देश उनके तरफ उम्मीद की नजरों से। शुक्रिया। होर भी कोई अगे अपडेट होवेगा, आज सारा दिन अपडेट्स ही ने, असी तुहाडे नाल गलबात करदे रहांगे। धन्यवाद।